ये बात है यार, ये फिजा। अच्छा, जैसे आप जो है कन्या को लेके आ रहे हैं बाहर के लिए, तो वाओ वाला मतलब वनीला फ्लेवर आ रहा है। तो गाइस, आप कह रहे थे कि आप पहाड़ों पे रहते हैं और आपने जो है का जो है एक भी ब्लॉग नहीं बनाया, तो गाइस स्पेशल आप सभी लोगों के लिए मुझे आना पड़ा। और बहुत ही तगड़ी बर्फ पड़ रही है अभी और मेरे हाथ भी सुन्न हो गए हैं, लेकिन क्या करें, आपको देखी आप तो देख ही रहे हैं। हाय हाय, क्या बर्फ पड़ रही है। सो गाइस, तबीयत भी ख़राब सी है, लेकिन क्या करें, आज मौका मिला आने का तो मैं आ गया। और मेरे साथ के जितने ही बंदे आगे निकल चुके हैं, मैं भी उनको फॉलो कर रहा हूँ। तो गाइस, जितने फ्रेंड्स लोग हैं यहाँ पर पहुँच चुके हैं, हम अपनी गाड़ियाँ लेके आए हैं बोलेरो और क्रेटा पे, और आप देख सकते हैं मतलब मौसम का हाल देखिए आप गाइस। ओसम, लाइफ बर्फ पड़ रही है गाइस। गाइज, बर्फ अभी भी पड़ रही है, आप देख सकते हैं पड़ रही है ना। या गाइज, देखो इस बर्फ में ना ग्लो हो गया चेहरा एकदम से। और यहाँ पर हमारे सारे फ्रेंड लोग आ गए हैं, आ जाओ। देखिए, फुल एंजॉय चल रहा है गाइज। और हमारे अनिल भाई जो कि फुल सेलिब्रेट करने आ रखे हैं बर्फ को, स्नोफॉल। और यहाँ देखिए आप, ओ माय गुडनेस, मारो 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 मारो, ओए ले लिया, दो तीन तो ले लिया। ले 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 ले। So guys, बर्फ पड़ चुकी है बहुत, और इसने बर्फ के लिए साइज है हमारा, साइज है। देख सकते हैं, नीचे देखिए मतलब, लुक एट देयर गाइस, मतलब स्नोफॉल इतनी ज्यादा हुई है और अभी भी हो ही रही है, अभी भी हो ही रही है मतलब। और आप देख सकते हैं कि अनिल भाई आ रखे हैं बिल्कुल इतने दूर से, और बिल्कुल इनके साथ फुल सपोर्ट है हमारा, फुल सपोर्ट हमारे साथ है। और बर्फ इतनी ज्यादा पड़ रही है, तो कैसा फील कर रहे हैं आप अभी? बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है। हाँ, तो ठंडे हो गए, पर हाथ बहुत ठंडे हो गए, हाथ बहुत ठंडे हो गए हमारे, देहरादून से आ रखे हैं, धार चुला से हमारे भाई, धार चुला से है। कैसा लग रहा है? बहुत आनंद आ रहा है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, वाह फैंटास्टिक व्यू। और आज यहाँ पर आए देखो, है कि नहीं? So guys, अगर आपको कभी भी ऐसा मूवमेंट मिलता है तो जरूर आप जाएं, धनोल्टी जाएं। अगर आप देहरादून रहते हैं, मसूरी भी आज बर्फ पड़ रही होगी। और यू डोंट बिलीव दैट गाइस, मतलब ऑसम फीलिंग, मजा आ रहा है, मतलब पूरी धरती सफेद हो गई है, पूरी धरती सफेद हो गई है, देख सकते हैं आप। हमें इंद्र बाहुबली, ये देखिए, ये देखिए, बाहुबली बाहुबली, इंद्र बाहुबली, ये देखिए यहाँ पर। गाइस, आगे का लुक तो उठाते हैं, अभी मेन गाड़ी हम जा रहे हैं, देखना होगा मतलब वहाँ कितने फीट बर्फ पड़ी है, क्योंकि बस भी अब ब्लॉक हो गया पूरा रास्ता। और गाइस, मजा आ रहा है, बाकी मैं आपको दिखाऊं, कैमरा मैन हमारे साथ है भाई जी, अपना नाम बताइए। मोहित पवार भाई, मोहित पवार है, बहुत ही गजब के मतलब। बाकी चार बासिंदे ये है हमारे बड़कोट के, जो कि बहुत ही खतरनाक जाने जाते हैं अपने नाम से। एक जिम ट्रेनर है, एक टनल ट्रेनर है, और दूसरे यहाँ पर जो है एक से एक मतलब प्रॉपर्टी माफिया है एक से एक। और देखिए आप गाड़ी किस तरीके से स्लिप करती है, अगर आप आई बहुत ही अच्छा ग्रिप बनाते हुए।
लगता है आगे रास्ता खुला है, लेकिन ज्यादा रिस्क लेना भी ठीक नहीं है। ये देखिए आप, ये जो है ना, ये देखो आप, ये मेरे कदमों के निशान पड़ रहे हैं। वही देखिए आप, ये तार आप देख रहे हैं इतना पतला है, देखिए आप, और इसके ऊपर देखिए आप बर्फ कैसे पड़ रखी है। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है। अच्छा, मजा आ रहा है, हर तरफ सफेद ही सफेद नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। सो गाइस, ठंडा बहुत ज्यादा हो गया है और आप देख सकते हैं अभी यहाँ का टेम्परेचर जो है जूर शून्य से भी नीचे जा चुका है, इसलिए बर्फ पड़ रही है अभी भी। इधर आ गया कपड़े। आगे बस भी फंस चुकी है और देखना होगा बस निकलती है कि नहीं। मुझे नहीं लगता बस निकलेगी। आपको उत्तरकाशी जाना था? ओहो, गाड़ियां तो फंस चुकी है, जैसे भी लगा है काम करने में। और जेसीबी से बर्फ साफ कर दो। ये पर आ रहे, जरा मैं मारता हूँ इस पे धक्का। जेसीबी जेसीबी से बर्फ साफ पकड़ लो। फंस गए गाड़ी पे, गाड़ी बर्फ में फंस गया, क्या करें? इससे हम हेल्प लेंगे, ये रहा हेल्पलाइन, हेल्पलाइन से हम बात करेंगे। फॉरेस्ट विभाग की गाड़ी फंस गए तो हमारी गाड़ी क्या है? फिसल गया यहाँ, कैमरामैन फिसल गया यहाँ, देख गाइस बर्फ बहुत ज्यादा हो गई है जी, क्या बोलते हो? एक ये है देखो। So guys, today is the best day in my life because of this time I am here to Rani. ठंडा ज्यादा हो गया है तो ये कह रहे हैं कि मतलब जॉगिंग करते हुए चलते हैं तो बॉडी गर्म हो जाएगी। बस को बैक कर रहे हैं लेकिन देखना होगा बैक होती नहीं। ये देखिए आप, इनका प्लान था आज राडिया ने, कहीं इधर देखिए, इधर सकल दिखाया, ये देखिए इनकी वजह से फंसे आज बर्फ में। नहीं नहीं, और ये देखिए यहाँ पे बहुत बड़े गर्म गर्म देखो देखो, इसको पता नहीं लग रहा कहाँ कर रहा। ये देखिए देखिए आगे, क्या कर रहे भाई साहब, क्या चाहते हो? ये बस वाले जो है पोके के अंदर आ गए थे देखो। दारू हमारे बस की पीनी है नहीं, उठा उठा दारू हमारे बस की है नहीं पीनी भाई साहब। बहुत बढ़िया, हम मैगी लेंगे, मैगी डाली है, कम डाली है, बहुत कम है। चीनी की शॉर्टेज बता रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? गौतम कब देना, गौतम कब देना? चीनी कम बता रहे, चीनी बहुत ज्यादा डाल रही है। इसका थैला खा गए हो, कोई बात नहीं, चीनी अलग से मिल जाएगी आपको। गाइस ठंडा इतना है कि आप देख सकते हैं कि भाप निकल रही मेरे मुंह से। अरे राड़ी टॉप पे जो है यहाँ पर ढाबा बना हुआ है कि जो भी अगर यहाँ पर आता है, अगर 10 मिनट भी वेट करते हैं आप यहाँ पर जो है अपना चाय नाश्ता मैगी और ब्रेकफास्ट
ब्रेकफास्ट यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी आप देखिए कितनी तेज हवाएं चल रही है, बर्फ चल रही है और मेरे आंखों तक बर्फ चली गई। आपका साथ हमारा विश्वास, दीपक बिजलवाड़ जी भारी बहुमतों से इनको जो है विजय बनाए। कहाँ से आए हैं आप? बड़कोट। यहाँ पर फंस गए हैं आप? बर्फ में फंस गए पूरी तरीके से, फंस गए। मतलब बर्फ इतनी ज्यादा पड़ गई है, यू डोंट बिलीव दैट। ये देखिए मतलब बर्फबारी इतनी ज्यादा हो गई कि टायर भी फिसल रहे हैं अभी, और इतने मतलब मुश्किल कंडीशन में हमको पैदल ही चलना पड़ रहा है। गाड़ी हमारी फंस चुकी है और देख रहा होगा इस टाइम पे कितने सारे लोग फंस गए हमारे पीछे, आप देख सकते हैं। और ये इतना अच्छा मौसम हो चुका है सर, मैं आपको बताऊं अगर कि इस टाइम पे हर इंसान चाहता है कि बर्फबारी का लुत्फ उठाए, है कि नहीं? लेकिन क्या है कि मौका बहुत कम उठा पाते हैं। कई लोगों को ठंड के मारे जो है घर में रजाई में पड़े हैं, लेकिन ये लुत्फ बार बार नहीं होगा। साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने में से एक महीना ऐसा है जिसमें बर्फ पड़ती है, तो बाहर निकलो और एंजॉय लीजिए। क्यों जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बिल्कुल, चुनाव प्रचार के साथ साथ जो है बर्फ का भी लुत्फ ले रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सारे विपक्षी हो अरे भाई ये और मैं आपको बताऊं अगर ये मौसम ऐसा है कि 12 महीने में से केवल एक महीना ऐसा है जिसमें बर्फ पड़ती है, लोगों को इतना ठंडा लगता है रजाई के अंदर बैठे हैं, सोच रहे आप कि माइक में बर्फ पड़ी है। आपको इतना अच्छा लुत्फ उठाने का मौसम मिल रहा है, आप घर से बाहर निकले तो वाह वाला मतलब वनीला फ्लेवर आ रहा है। देख रहे होगा यहाँ पर दूल्हे फंस चुके हैं, ये देखिए आप। अरे शांत रहो एक मिनट, ये दूल्हे राजा हमारे फंस चुके हैं बर्फ में। चिनेली बड़ी थी जो कितना चल रहे हैं बर्फ में, एक घंटे से चल रहे हैं। गाइस यू डोंट बिलीव दैट, एक घंटा लेट हो गई है आपकी बरात, और अभी एक घंटा और चलेंगे, यानी दो घंटे और देखना होगा। मतलब मजा आ रहा है, ऑसम फीलिंग गाइस। और आज दूसरा दूल्हा है जो फंसा है, एक दूल्हा निकल गया है, हमको बड़ी सुंदर के भाई वाला है, एक जो है भाई हमारे यहां आके आ रही। अच्छा जैसे आप जो है, अच्छा जैसे आप देख रहे हैं कि नोट भी गिरने को लेके आ रहा है, नोट भी गिर रहा है, तो बर्फ में काफी नोट भी, तो बिल्कुल जैसे कि हम देख पा रहे हैं दूल्हे के नोट भी भीग चुके हैं। नोट बहुत जरूरी है, नोट नहीं भीगने चाहिए, नोट भी भीगे हैं। आप चिनियाली पर लेके जा रहे हैं, हम पूरी मतलब कोशिश करेंगे कि आपको सही सलामत वहां तक पहुंचाते। दो जीसी भी हमने लगा रखी है और तीसरी अभी आने वाली है, इससे पहले आप देखिए। और हैप्पी मैरिड लाइफ, आप उसकी शादी जो है मंगलमय, और याद रहेंगे ये दिन भी कि बर्फ पड़ी थी शादी में, बर्फ पड़ी रहेंगे वो दिन भी कि बर्फ पड़ी थी शादी में, दुल्हन ने बोला आ जा, हमने कहा बर्फ पड़ी है कैसे भाई। 14 तारीख को हमारा भाई दुल्हा भाई वोट डालेगा दीपक बिजलवाड़ को। गाड़ी फंस चुकी है पूरी तरीके से, ये देखिए आप स्लिप मार रही, स्लिप मार रही, ये देखिए मैगी का लुत्फ उठाते हुए आप देखिए, Thank you.
हो गया मेरे बेटी तपस्या मंगे होते हुए भाई इसके टांग की जो टांग नहीं मत करे प्लीज दो तीन पांच जीरो रुजा मैं पहले तपस्या बैठा हूँ मेरा असिस्टेंट मेरे पास चलो मार्क्स भयंकर लग रही मार्क्स बोले शंकर बम बम बोले तेरी माया कहीं तपस्या मांग ये शीशे गिर चुके हैं और बाबा की तपस्या मांग करते हुए Yo guys, full feel. मतलब इसको फॉलो होना है देखिए मतलब मजेदार है ना बहुत फिसल रहे हैं गाइस गाइस अब वापस जा रहे हैं बर्फ बहुत ज़्यादा पड़ चुकी है देख सकते हैं आप और गए गाइस ठंडा बहुत ज़्यादा है और ठंड से मतलब हाथ पैर सब जाम हो गए हमारे हम खुद जाम हो गए हैं सही बात है और देखिए क्या सुंदर नजारा है भाई नजारा तो देख ही सकते हैं आप देखिए दिख रहे होंगे बड़ी बड़ी गाड़ियां फंस रखी हैं भाई साहब हाँ सुंदर प्रकृति का आप देख सकते हैं यहाँ पे भंडारी बंद भी रुके हैं ये भी आगे नहीं जा पा रहे हैं ये भी आगे नहीं जा पा रहे हैं गाइस क्या फील कर सकते हैं कि मतलब देखिए गाइस मतलब खतरों के खिलाड़ी इन्हें हम खतरों के खिलाड़ी बोलेंगे एक सो गाइस अब निकल रहे हैं हम घर को काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पर लगभग 2-3 घंटे हम यहाँ पर रुके और ठंडा भी बहुत ज़्यादा है गाइस कभी भी आपको अगर मौका मिले ऐसी जगह आने का तो ज़रूर आएँ और गाइस कमेंट में ज़रूर बताएं कि ब्लॉग आपको कैसा लगा एंटरटेनमेंट हुआ कि नहीं हुआ सो गाइस लाइक कर दें वीडियो को कमेंट कर दें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप नए हैं तो और वीडियो को शेयर कर दें यार और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में थैंक यू सो मच गाइस